अब लोकसभा चुनाव है तो जाहिर सी बात है दिग्गजों के बीच दंगल तो छिड़ेगा ही। वहीं यूपी में भी चुनाव को लेकर माहौल गरमाने लगा है। यूपी के अंबेडकर नगर में 25 मई को लोकसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। इस बार यहां से बीजेपी के रितेश पांडे और गठबंधन के लालजी वर्मा चुनाव मैदान में हैं। अंबेडकर नगर हमेशा से ही बहुजन समाज पार्टी का गढ़ रहा है, लेकिन पिछली बार बसपा के टिकट पर सांसद चुने गए रितेश पांडे इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में यहां की जनता चुनाव को लेकर क्या सोच रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से अभी तक भाजपा से रितेश पांडे और समाजवादी पार्टी से लालजी वर्मा का टिकट फाइनल हुआ है जी। ऐसे में इस बार क्या उम्मीद है लोकसभा चुनाव में, आप लोग किस पार्टी की तरफ जा रहे हैं? जैसे कि मैं यहाँ का सभासद हूँ और हमारे मोहल्ले में यानी नगर में यहाँ से रितेश पांडे जो यहाँ के सांसद भी रह चुके हैं, तो भाजपा से पूरी उम्मीद है कि वही निकलेंगे और जनता हमारे जहाँ आवास है, पेंशन है या गैस सिलेंडर है, यहाँ सब सुविधा पा रही है, इसलिए जो है भाजपा को ही पसंद कर रही है। उम्मीद है कि रितेश पांडे ही जीतेंगे। अच्छा, इस बार के चुनाव में राम मंदिर जो आपके यहाँ से मुश्किल से 40 किलोमीटर की दूरी पे है जी, राम मंदिर का कितना फर्क पड़ेगा इस बार चुनाव में? यहाँ बहुत फर्क पड़ेगा जी, बहुत। अरे राम मंदिर से यहाँ लोग बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं कि इतने दिन के बाद हम लोगों की लड़ाई में हिंदू जनमानस को जीत मिली है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। हर आदमी को रोजी मिल रहा है और इससे उम्मीद है कि भाजपा की 400 सीट से ही ऊपर जाएगी। अच्छा, जैसे मोदी जी एक नारा दे रहे हैं अब की बार 400 पार, विपक्ष कह रहा है ये मोदी जी का अहंकार है, आप लोगों को क्या लगता है? अहंकार इनका है, अपोजिट का, विपक्ष का। अभी तक ये क्या किए, क्या बोले, क्या किए, कुछ नहीं किए। जितना बड़ा विकास कर दिया मोदी जी ने, उतना बड़ा विकास कोई कर नहीं पाएगा। रितेश पांडे जीतेंगे, कांटे लड़ाई कांटे की है, लेकिन उम्मीद यही है कि बम्पर रोड जीतेगा, क्योंकि भाजपा ने ऐसा विकास किया है जिसके चेहरे पर हाथ आगे के चेहरे पर रोशनी है, समझ रहे, इसलिए वो विकास के मुद्दे पर सफल हो जाएंगे। अम्बेडकर नगर लोकसभा से इस बार आपके रितेश पांडे और लालजी वर्मा का टिकट अभी तक कन्फर्म है जी, जी। तो क्या लग रहा है इस बार का जो चुनाव होगा वो किस आधार पर लड़ा जाएगा? हमारे अकबरपुर जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है सबसे बड़ी चीज ये है कि उत्तर प्रदेश में जो है जातिगत जो है लड़ाइयां चल रही है, और इधर जो है राम मंदिर का भी मुद्दा जो है भारतीय जनता पार्टी ने उछाला है। रही बात अम्बेडकर नगर की, अम्बेडकर नगर में पूर्णतया जो है अभी तक ये बसपा का गढ़ था, लेकिन इस बार ये जो है इनका गढ़ टूट रहा है और लड़ाई जो है दो में होगी, बीजेपी अगेंस्ट एसपी। रही जीतने और हारने की बात, तो मामूली मार्जिन रहेगा। मुद्दा तो यही है कि राम मंदिर मेन मुद्दा है, लेकिन जो भाई साहब ने बताया है कि ज्यादातर हमारे यहाँ जातिगत लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन कुल मिला के लड़ाई यही दो में हो, बहुत टफ है सपा और भाजपा में। अच्छा, आपके आधार पे क्या माना जाए, मतलब किन मुद्दों के आधार पे इस बार के सांसद को आप चुनना चाहेंगे? मुद्दा तो वैसे सांसद रितेश पांडे अच्छे सांसद में माने जाते हैं, प्रवक्ता भी है, अच्छे हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, काम भी दौड़ते हैं, जो है समस्याओं को उठाते हैं, वो सब कुछ करते हैं, इसीलिए ज्यादातर रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही लोगों को जा रहा है। कि जिस तरीके से लालजी वर्मा जी विधानसभा जीते थे, उसी हिसाब से समीकरण ऐसा बन रहा है कि लोकसभा में लालजी वर्मा ही जीतेंगे, क्योंकि सांसद जी हमारे रितेश पांडे जी जो है ये जब इलेक्शन आता है पाला बदल देते हैं, हम लोग को गुमराह करके दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। आप एक युवा है, युवा के रूप में इस बार क्या उम्मीद करते हैं, किस तरीके की सरकार आपके लिए आए? देखिए, हम लोग के लिए ऐसी सरकार चाहिए जो हम लोग को रोजगार, महंगाई से निजात, ऐसी सारी समस्याओं पर जो सुनवाई करे, लेकिन इस सरकार की सबसे बड़ी खामियां यही हुई है कि युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। कितनी वैकेंसी, कितनी शिक्षक भर्तियां, कई लाख पदें अभी तक खाली हुई पड़ी है, बच्चे जाते हैं प्रदर्शन करने, उनको उनके ऊपर डांट डपट कर उनको भगा दिया जाता है। बीजेपी हमारे केंद्र में भी है और स्टेट में भी है,
तो यही है, हमारे टाउन में भी बीजेपी सरकार ही है, तो हम लोग चाहते हैं कि इस बार भी मतलब जो है अम्बेडकर नगर जिले लोकसभा चुनाव में माननीय रितेश पांडे ही जीते। व्यापारियों के लिए चाहिए था भय, और वो चाहिए था भय मुक्त है समाज, भय मुक्त है और क्या है, कानून व्यवस्था, हाँ कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है इसमें, व्यापारियों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। अच्छा, राम मंदिर का लाभ, राम मंदिर का भी मुद्दा रहेगा, राम मंदिर 500 वर्ष बाद राम मंदिर बना, बस बीजेपी को इसीलिए भी वोट देंगे, कम से कम टेंट से उसमें आ गए, उसमें अब मंदिर में आ गए हैं, खड़े हैं, मतलब पांडे जी की उम्मीद है। क्या काम किया पांडे जी ने? अच्छा काम किया, लेकिन हमारे कहते हैं सांसद तो हैं, जीतेंगे ऐसी बात नहीं। भैया मौके पे लालजी वर्मा के समाजवादी पार्टी से जो सांसद के रूप में खड़े हैं। अच्छा, मुद्दे क्या रहेंगे इस बारे में वोट डालने के, यहाँ के क्षेत्र में? ये भैया जनता समस्या वाला मुद्दा बाबू, हाँ बहुत महंगाई वगैरह, हाँ महंगाई बेरोजगारी दो मुद्दे है बस। अम्बेडकर नगर से इस बार भाजपा से रितेश पांडे और समाजवादी पार्टी से लालजी वर्मा प्रत्याशी के रूप में सामने हैं। रितेश पांडे जहां इसके पहले बहुजन समाज पार्टी से सांसद थे, तो वहीं इस बार उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। ऐसे में इस बार देखना दिलचस्प रहेगा अम्बेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र से यहां की जनता किसे सांसद के रूप में चुनती है।